नमस्ते दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल लिली फाइन नॉलेज में फिर से एक बार स्वागत है। मैं शिप्रा आपके लिए फिर से पांच छोटी सी जानकारी लेकर आई हूँ। पहला, दोस्तों आज तक हम यह जानते थे कि पेड़ को काटकर फर्नीचर बनाया जाता है, पर क्या आप ये जानते हैं कि पेड़ लगाकर डायरेक्ट उससे फर्नीचर बनाया जाता है? फुल ग्रोन यूके की एक कंपनी है जो पेड़ों को कुर्सियों, मूर्तियों, लैम्प, मिरर फ्रेम और टेबल उगाती है। इसकी स्थापना 2005 में गोविंद मुनरो ने की थी। मूल विचार गोविंद की बचपन की स्मृति से आया था, जो एक अतिवृद्धि बोनसाई की तरह था, जो एक छोटे से सिंहासन की तरह दिखता था। 50 वर्षों के लिए पेड़ों को उगाने का विचार, फिर उन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर एक साथ गोंद कर दिया जाता है जो कभी भी टूट सकता है। अपनी पत्नी एलिस मुनरो के साथ मिलकर फर्नीचर उगाने के लिए पेड़ लगाना शुरू किया। 2.5 एकड़ के खेत में लगभग 3000 पेड़ लगाए गए हैं और 2011 के अंत में उत्पादन शुरू हो रहा है। 2015 की शुरुआत में पहली प्रोटोटाइप कुर्सी पूरी हो गई थी। इस कुर्सी को विकसित होने में 5 साल लगते हैं, है ना दोस्तों, ये एक यूनिक तरीका। दूसरा, आज तक आपने किडनी स्टोन का अलग अलग उपचार देखा होगा, पर क्या आप एक नए उपचार के बारे में जानते हैं जो कि रोलर कोस्टर उपचार है? जी हाँ दोस्तों, यह रोलर कोस्टर लोगों की किडनी स्टोन पास करने में मदद करता है। नए अध्ययन के अनुसार शोधकर्ताओं ने पाया कि डिज्नी वर्ल्ड में बिग थंडर माउंटेन रेल रोड कोस्टर की सवारी करने से गुर्दे की छोटी पथरी के मार्ग को आसान बनाने में मदद मिल सकती है। गुर्दे की पथरी खनिजों के कठोर द्रव्यमान होते हैं जो गुर्दे में बनते हैं। वे आकार में रेत के एक छोटे दाने से लेकर चरम मामलों में गोल्फ की गेंद के आकार तक हो सकते हैं। गुर्दे की पथरी की रोगियों का उपचार की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि पथरी अपने आप शरीर से बाहर निकल सकती है, लेकिन उन्हें निकालने की प्रक्रिया काफ़ी दर्दनाक हो सकती है। पत्थरों को गुर्दे से मूत्रवाहिनी और मूत्राशय तक जाना चाहिए। तीसरा, दोस्तों क्या आप नमक के इतिहास के बारे में जानते हैं? नमक, जिसे टेबल नमक या NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड के रूप में भी जाना जाता है, हालांकि नमक को प्राप्त करना अक्सर मुश्किल होता है, इसलिए यह एक अत्यधिक मूल्यवान वस्तु था और कुछ लोगों द्वारा इसे मुद्रा के रूप में माना जाता था। कई नमक सड़कों जैसे इटली में सलारिया के माध्यम से कांस्य युग द्वारा स्थापित किया गया था। लगभग 6000 ईसा पूर्व के शुरुआती नव पाषाण नमक उत्पादन की पहचान पोयाना स्लेटिनी लुनका रोमानिया में एक उत्खनन में की गई है। यहूदियों, यूनानियों, तमिलों, चीनी, हित्तियों और पुरातनता के अन्य लोग के लिए नमक का उच्च मूल्य था। दुनिया के महान शहरों की शक्ति और स्थान का निर्धारण करने में नमक ने एक प्रमुख भूमिका निभाई थी। चौथा, दोस्तों क्या आप जानते हैं F1 के चालक F1 चलाने से पहले भरपेट पानी क्यों पीते हैं? F1 सिंगल सीटर सुपर कार्स में यह कोई जोक रेसिंग नहीं है। कॉम्पैक्ट जगह में 2 घंटे की लंबी दौड़ ड्राइवर के लिए बेहद कठिन है। अत्यधिक गर्मी, उमस और 2 घंटे तक दौड़ना एक चुनौतीपूर्ण कार्य साबित होता है। इसके अलावा उनमें से प्रत्येक दुनिया के कुछ बेहतरीन ड्राइवरों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए भारी मानसिक दबाव में रहते हैं। प्रत्येक F1 चालक दौड़ के दौरान कुछ वजन कम करता है। ये सभी हर रेस में लगभग 2 से 3 kg वजन कम करते हैं। इसके बाद उनमें से प्रत्येक दौड़ के दौरान उत्पन्न होने वाले अत्यधिक निर्जलीकरण और गर्मी के दबाव से जूझता है। F1 कॉकपिट एक सामान्य दिन में 45 से 50 डिग्री सेल्सियस के आसपास स्पष्ट मौसम के साथ होता है। हालांकि उच्च आर्द्रता और गर्मी वाले स्थानों में कॉकपिट में तापमान बढ़ सकता है। हालांकि रेसिंग के दौरान समय समय पर तरल पदार्थों की आपूर्ति होती है, लेकिन यह उबलते वातावरण में पसीने के माध्यम से खो जाने वाली पानी की मात्रा से मेल नहीं खाता है, जो आगे चलकर डिहाइड्रेशन का कारण बनता है। हर रेसिंग से पहले और बाद में अपने वजन की जांच करने की प्रक्रिया से गुजरता है। इस प्रक्रिया के माध्यम से व्यक्ति दौड़ के सूत्र के दौरान खोए वजन का ट्रैक रख सकता है।
पांचवा, दोस्तों एक आदमी अपने फेफड़े के आकार में एक विशालकाय रक्त के थक्के को खांसता है। खून खांसी एक खतरनाक लक्षण है, लेकिन यह विशेष रूप से दुर्लभ नहीं है। फिर भी कैलिफोर्निया में एक व्यक्ति ने अपने डॉक्टरों को चकित कर दिया जब उसने एक असामान्य दिखने वाले रक्त के थक्के को खांसा। यह उसके फेफड़े के आकार का था। 36 वर्षीय व्यक्ति का दिल की गंभीर स्थिति के लिए इलाज किया जा रहा था। उन्हें पुरानी दिल की विफलता थी, जिसका अर्थ है कि हृदय की मांसपेशी शरीर की सामान्य मांगों को पूरा करने के लिए अपर्याप्त रक्त पंप नहीं कर सकती है। उनकी हालत इतनी गंभीर थी कि डॉक्टर ने उन्हें वेंट्रिक्यूलर असिस्ट डिवाइस नामक मशीन पर रखा, जो हृदय को रक्त पंप करने में मदद करती है। क्योंकि ये मशीनें रक्त के थक्कों के जोखिमों को बढ़ा सकती है, इसलिए उन्हें रक्त को पतला करने वाली दवाई दी गई। हालांकि ये दवाई खून खांसी सहित खून बहने का खतरा भी बढ़ाती है। दरअसल मरीज को खांसी के कई एपिसोड हुए, जिसमें उसने थोड़ी मात्रा में खून निकाल दिया, लेकिन फिर अत्यधिक खांसी के दौरान रोगी ने अपने दाहिने ब्रोंकियल पेड़ी बरकरार डाली को थूक दिया। दूसरे शब्दों में यह फेफड़े के शाखित वायुमार्ग के आकार में थक्केदार रक्त से बना एक सांचा था, जिसे ब्रोंकाई के रूप में जाना जाता है, और एक सप्ताह बाद हृदय गति रुकने से उनकी मृत्यु हो गई। तो दोस्तों आज की दी हुई जानकारी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइए, और मेरे इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।